इस लड़के ने कुछ अजीब देखा। पूरे शरीर में आग लगाए हुए एक राक्षस घोड़े पर सवार है। राक्षस इलियट की ओर दौड़ा। इलियट ने कार का दरवाजा खोला, राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, अधिक से अधिक राक्षस पीछा कर रहे हैं। आखिर ये क्या है? इसका संबंध पिछली रात से है। इलियट को ईंटों के ढेर में एक लोहे की तलवार मिली। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार निकाल ली। बिना यह जाने कि मैंने एक खतरनाक जगह देख ली है। रात को अलमारी में तलवार चमकने लगी। खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज आई। इलियट खिड़की के किनारे चला गया और धीरे से पर्दे खींच दिए। जमीन के नीचे एक मरा हुआ शूरवीर फिर से जीवित हो सकता है, उसने इलियट की ओर देखा। यह दृश्य देखकर इलियट की तबीयत खराब हो गई। शूरवीर घर में घुस गया। इलियट भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बस अपने कमरे में भागना था। एक सेकंड बाद शूरवीर ने दरवाजे को लात मारकर हटा दिया। उस क्षण इलियट अपनी कीमती तलवार निकालकर लड़ने ही वाला था। परिणाम स्वरूप शूरवीर ने तलवार घुमाई, तलवार दूर फेंक दी गई। कभी पागल शूरवीर ने आरोप लगाया। सौभाग्य से इलियट तीन हमलों से बचकर अपना बचाव करने में तत्पर था। लेकिन बहुत जल्दी ही इलियट को घेर लिया गया। शूरवीर ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। खतरनाक इलियट शूरवीर उसकी आंखों के सामने राख में बदल गया। इलियट का चेहरा अचानक स्तब्ध रह गया। जब वह संभला तो उसे एहसास हुआ कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है। पता चला कि यह इमरी ही थी जिसने अभी इलियट को बचाया था। इमरी ने इलियट से कहा, चलो कल फ्राइड चिकन की दुकान पर चलते हैं। इतना कहकर वह पक्षी बन गया। उसके साथ इलियट कैसे सोता रह सकता था। उसी रात इलियट को उसका दोस्त मिल गया। देखने के बाद मुझे पता चला कि तलवार की मोट पर एक शिलालेख था। फिर किताब में सुराग मिले। यह महान राजा की तलवार है। होल होते ही वे दोनों तलवारें ले आए। इमरी ने उन दोनों को बताया, यह तलवार मूल रूप से रानी मॉर्गन को सील करने के लिए थी। तलवार खींच ली गई है, मॉर्गन भी खोल दिया गया है। आत्मा शूरवीर उसके अधीनस्थ थे। वे शूरवीर रात को जागेंगे और तलवार वापस छीन लेंगे। और मॉर्गन अपने घुड़सवारों के साथ तीन दिन बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण पर होंगी। ग्रहण से पहले दुनिया को बचाने के लिए केवल दुनिया का प्रवेश द्वार ढूंढना होगा। यह सुनकर इलियट तुरंत घबरा गया, उसने अपनी तलवार गिरा दी। जैसे ही नतीजे दरवाजे पर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने मुड़कर देखा और इमरी फिर से एक बूढ़े आदमी में बदल गया। जब वह ऊपर नहीं गया तो आसपास की वस्तुएं भी उड़ गईं। वहां से शुरू होती है एक बड़ी जादुई पार्टी। बल्कि बिल्कुल न झपकें, क्योंकि उसके बाद जादुई क्षण आता है। किशोर की तरह मत देखो, वह वास्तव में हैरी पॉटर के शिक्षक मर्लिन है। उसने उन दोनों को भविष्य का एक दृश्य दिखाते हुए बिजली लॉन्च की। केवल इलियट ही रानी मॉर्गन को रोक सकता है। वह दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। शाम को इलियट और बेदीवेरे भूमिगत दुनिया में जाने का रास्ता खोजने गए। अप्रत्याशित रूप से दो अन्य दोस्त भी पीछे हो लिए। इलियट ने उन्हें सब कुछ बताया। जब वे अंत तक पूछताछ करना चाहते थे, तभी दूर स्थित ईंटों का ढेर अचानक हिल गया। मॉर्गन के अधीनस्थ जमीन से ऊपर आते हैं। इलियट का दोस्त डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। शूरवीर ने अपनी तलवार उठाई और उस पर झपटा। सौभाग्य से इलियट समय पर रुक गया। कुछ लोग तेजी से ऊंचे स्थान की ओर भागे। शूरवीर आक्रमण करने ही वाले थे। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके बगल में कई तेल टैंक थे, इसलिए पूरे समूह ने मिलकर तेल टैंक को गिरा दिया। आग की लपटों ने कुछ देर के लिए शूरवीरों को घेर लिया। उन्होंने पाया कि शूरवीर आग से नहीं डरते थे। प्रतिकूल स्थिति देखकर वे सभी भाग गए। काले शूरवीरों ने तलवारें लहराते हुए आक्रामक रूप से पीछे से उनका पीछा किया। इस समय सड़क पर कोई नहीं था। शूरवीरों ने पूरी दुनिया को गतिहीन कर दिया। जो कोई यह नहीं जानता, वह लुप्त हो जाएगा। जब सवारियां पहुंची, इलियट ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला। जो शूरवीर एक पल के लिए भी चकमा नहीं दे सका, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी समय के को एक कार दिखी। उसने बार बार शूरवीरों को टक्कर मारने के लिए कार का फायदा उठाया। जब उन्होंने सभी शूरवीरों को नष्ट कर दिया तो दुनिया सामान्य हो गई। अचानक ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ी औरत आ गई, जिससे सभी लोग डर गए। सौभाग्य से कार दुर्घटना से बचने के लिए किने तुरंत गैस पर कदम रख दिया। फिर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मर्लिन समूह को दूसरी दुनिया में ले गई। मर्लिन ने सबसे पहले चार तलवारें बनाई। प्रशिक्षण के लिए कल्पित बौने बनने के लिए चार विशाल पेड़ों को बुलाए। लेकिन अचानक पेड़ काला पड़ गया। यह डायन मॉर्गन ही थी जिसने उन्हें नियंत्रित किया। उन्होंने बच्चों को बांध दिया। जब उन्हें नीचे खींचा जाने वाला था तो मर्लिन समय पर बचाव के लिए आ गईं। अंत में मर्लिन गिर पड़ी क्योंकि उसे बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ी। मर्लिन का कहना है कि वे आज रात केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। इतना कहकर वह कौवा बन गया और उड़ गया। रात हो जाती है, मरा हुआ शूरवीर फिर से जमीन से बाहर आता है। समूह दूर चला गया और जंगल की गहराई में भाग गया। सड़क के बीच में बेदीवेरे गिर गया। मरे हुए शूरवीर ने उसे एक पेड़ से दबा दिया।
आपातकालीन स्थिति में कि अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट आया, लेकिन वे फिर भी उन्हें शुरू से अंत तक काट नहीं सके। मरे हुए शूरवीरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक महत्वपूर्ण क्षण में इलियट ने समूह को नीचे कूदने और चट्टान के किनारे पर छिपने के लिए प्रेरित किया। जहां तक शूरवीरों का सवाल है, क्योंकि वे बहुत तेज दौड़े, वे जल्दी ही गिर गए। जादू को पुनर्स्थापित करने वाला मर्लिन भी आ गया है, जिसे इक्वल्स आज डायन मॉर्गन को मारना होगा, नहीं तो सारा संसार अंधकार में पड़ जाएगा। मर्लिन की मदद से समूह को भूमिगत दुनिया में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन उन पर घात लगाकर हमला किया गया और इलियट के तीनों दोस्तों को पेड़ से बांध दिया गया। डायन मॉर्गन को देखने के बाद इलियट ने तुरंत हार मान ली। उसने कीमती तलवार सौंपने का फैसला किया। उसे लगा कि इलियट डरावना नहीं था, इसलिए वह सतर्क नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से इलियट ने मॉर्गन को एक घातक झटका दिया। इलियट के करीबी दोस्त भी बच गए। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन जब इलियट जागा तो उसे पता चला कि पूरी दुनिया को अंधेरे ने निगल लिया है। शूरवीरों की एक सेना फिर से जमीन से निकली। वे कवच पहने हुए थे, हाथों में लंबी तलवारें पकड़े हुए थे और घोड़ों पर सवार थे। इस बार सभी मरे हुए शूरवीर इकट्ठे हुए। वे स्कूल पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि इलियट अंदर है। आज सुबह जब उन्हें पता चला कि मॉर्गन अभी मरा नहीं है, वे तुरंत स्कूल पहुंचे और छात्रों को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए एकजुट किया। उन्होंने सैकड़ों कारों की व्यवस्था की। अंदर जाल की व्यवस्था की गई है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब मरे हुए शूरवीर ने तुरंत हमला शुरू कर दिया, वे सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में उतरे। जिस छात्र ने कार स्टार्ट की उसने तुरंत शूरवीरों का सफाया कर दिया, लेकिन दूसरी सेना द्वारा उनके पास वाहन को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। सभी कारें एक दूसरे से टकरा गईं। जाहिर है कि उनकी उम्र इतनी नहीं है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। पहले युद्ध क्षेत्र को तोड़ने के बाद शूरवीर गलियारे में घुस गए। तब दीदी वेरे ने उन्हें रस्सियों को जमीन पर खींचने का आदेश दिया। वे सभी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। सभी एजेंसियों के साथ साथ घुड़सवार सेना को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। सभी अंगों का उपयोग करने के बाद दोनों पक्ष युद्ध में कूद पड़े। दुर्भाग्य से दुश्मन बहुत भीड़ में था और जल्द ही छात्र गिर गए और स्थिति निष्क्रिय हो गई। वे तभी पीछे हट सके जब उन्होंने देखा कि शूरवीरों की सेना ने बिना किसी अंतराल के स्कूल को घेर लिया है। तभी डायन मॉर्गन प्रकट हुई। वह व्यक्तिगत रूप से बच्चों को नष्ट करने वाली थी। इलियट ने आकर्षित करने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और बेदी बेरे ने मौके का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया। वे उसे जंजीरों से बांधकर मारने के लिए एकजुट हो गए। मर्लिन ने तेजी से हवा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। तूफानी हवाओं को बुलाने के लिए सुपर शक्तिशाली जादू जारी करने में सक्षम होना। जल्दी से डायन को अंदर खींचो। इलियट अपनी टोपी के साथ मॉर्गन की पीठ पर कूद पड़ता है। उसने उसके दिल पर वार करने के लिए अपनी ही तलवार का इस्तेमाल किया। आखिरकार चुड़ैल एक शक्तिशाली लहर में बदल गई। एक पल में शूरवीर धुएं में उड़ गए। आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो गई। इलियट की कमान के तहत दुनिया को शुरुआत में बहाल किया गया था। हमारी फिल्म आज समाप्त हो रही है।